कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड सुपरस्टार को समीर वानखेड़े का सामना करना पड़ रहा है। एनसीबी का हिस्सा बनने से पहले भी कई सेलेब्स का पाला वानखेड़े से पड़ चुका है। बता दें कि समीर वानखेड़े नारकोटिक्स ऑपरेशन संभालने से पहले साल 2008 बैच के एक आईआरएस अफसर रह चुके हैं। वानखेड़े कस्टम और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। साल 2011 में मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। उस वक्त उनका सामना कई बॉलीवुड सेलेब से होता था। बता दें कि आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने से पहले समीर वानखेड़े का सामना किंग खान से भी हो चुका है। साल 2011 में वानखेड़े ने शाहरुख खान पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर रोककर उनसे घंटों तक पूछताछ की थी और ज्यादा लगेज लाने की वजह से शाहरुख खान पर जुर्माना लगाया था। उस समय शाहरुख खान अपने फैमिली के साथ लंदन और हॉलैंड वेकेशन मनाकर वापस मुंबई लौट रहे थे। तब समीर वानखेड़े एयरपोर्ट के कस्टम स्टेशन असिस्टेंट कमिश्नर थे। बता दें कि आर्यन खान का केस जेल और जमानत के बीच फंस चुका है। आज फिर आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 26 और अक्टूबर को एनसीबी ने कस्टडी में ले लिया था। उन पर ड्रग्स की इंटरनेशनल तस्करी का आरोप एनसीबी ने लगाया है।